स्टूडेंट कैसे आप सभी लोग, आशा करते सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो अपना पेपर जो है क्लास ट्वेल्थ जीव विज्ञान बायोलॉजी का मिला लीजिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पहला प्रश्न था कि आवृत बीजी पौधे का भ्रूण पोष होता है तो कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। जिसने भी त्रिगुणित किया है बहुत अच्छा है, इसका पेपर है उस बिटिया ने भी जो है सही किया है। तो विडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान में उपयोग किया जाता है, टाइफाइड। देखो उसने सही किया है, इसको भी अपना मिला लीजिए फटाफट। यहाँ हम देखते हैं 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण है तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तो 27 होंगे। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो गुणसूत्रों की किस्मी जोड़ी की त्रिसूत्रता के कारण होता है। जैव विविधता क्षति के कोई दो कारण लिखे, लिख दिया होगा। मानव में किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखे, लिख सकते थे। IUD का पूरा नाम इंट्रायूटरिन डिवाइसेज होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी कि नहीं, दो नील हरी शैवाल के नाम से लिखिए। यह भी जेल एक्ट्रोफिरिस क्या है, चिकित्सीय सगर्भता समापन MTP से क्या तात्पर्य है, मानव इंसुलिन क्या है, सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, DNA और RNA में कोई अंतर लिखिए। हाई स्कूल का प्रश्न है, परितंत्र में उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। फिर देखिए उत्परिवर्तन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग के दो प्रयोगों को लिखिए। न्यूक्लियोटाइड पर एक टिप्पणी लिखिए। न्यूमोनिया और अमीबता के लक्षण लिखिए। सूक्ष्मजीवों के औषधि उपयोग का वर्णन कीजिए। एलर्जी का पर एक टिप्पणी लिखिए। अतिदोहन एवं सह विलुप्तता पर टिप्पणी लिखिए। मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमी विकार सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। प्राकृतिक वर्ण पर एक टिप्पणी लिखिए। दृश्य एवं जीनी प्रारूप में विभेद कीजिए। मेंडल द्वारा मटर के पौधों में अध्ययन किए गए 7 विपर्यासी विशेषकों पर एक टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। जैव सूचना विज्ञान और क्या है दूसरा, एमिनियोसेंटेसिस। संवाहक में क्लोनिंग करने हैं तो आवश्यक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। द्विशंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। यहाँ पे अपना पेपर जो है देख लीजिए। आवृतबीजी पौधों में त्रिसंलयन की क्रियाविधियों का वर्णन कीजिए। मानव रक्त में लसीका अपसारी विकास, बायोस्फीयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान पर निबंध लिखिए, अथवा मानव जीनोम परियोजना अनुप्रयोग में भविष्य की चुनौतियों या संक्रामक रूप पर लिखिए। बस इतना ही पेपर था, हमने पूरा पेपर इसलिए दिखा दिया ताकि आगे आने वाले बच्चे भी अपना पेपर देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।